दिल्ली में फिर गंजावला जैसी खौफनाक वारदात। केशवपुरम में कार ने टक्कर मार स्कूटी सवार को घसीटा। हादसे में एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। कार ने स्कूटी सवार को 350 मीटर तक घसीटा। टक्कर में एक युवक उछलकर कार की छत पर गिरा, दूसरा विंडशील्ड में फंस गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत केस दर्ज हुआ। पटना में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग। जुलूस यात्रा के दौरान हुई गोलीबारी। छानबीन में जुटे पुलिस। नालंदा में भी सरस्वती माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प के दौरान चली गोलियां। पुलिस ने गोली चलने की बात से इनकार किया। बिहार के सहरसा में भी दो पक्ष आपस में भिड़े। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर मारपीट और गोलीबारी। दो लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के जामताड़ा में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा। दोनों तरफ से पत्थरबाजी। कई पुलिसकर्मी घायल। पीएम मोदी आज करेंगे राजस्थान का। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दौरा भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण की जन्मस्थली की करेंगे पूजा अर्चना। धर्मसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के दौरे से पहले गहलोत सरकार का बड़ा दाव। देव नारायण जयंती पर अवकाश घोषित। राज्य में बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। आज यात्रा में शामिल हो सकती है महबूबा मुफ्ती और प्रियंका गांधी। अनंतनाग के खन्नाबल से शुरू होगी यात्रा। दिग्विजय के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उठाए सवाल। बोले सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखाओ। भारत चीन सीमा तनाव पर बोले पूर्वी कमान के जीओसी इन कमान आरपी कालिता। एलएसी पर दोनों देशों की धारणाएं अलग। हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार भारत। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर साधा सीएम नीतीश पर निशाना। कहा मैं नहीं छोड़ूंगा पार्टी। नीतीश का जवाब पार्टी के अंदर बात रखें कुशवाहा। बिहार जेडीयू में नीतीश कुमार बनाम उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई पर चिराग पासवान का बयान। प्रदेश में कई मुद्दे, इस लड़ाई से बिहार को कोई फायदा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा अपना जायज हक मांग रहे हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी। आशीष चेलार के दफ्तर में भेजा गया धमकी भरा पत्र। बांद्रा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज। बिहार के आरा में पागल कुत्ते का आतंक। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को काटा। स्थानीय लोगों ने कुत्ते को मार डाला। यूपी के सीतापुर में ऑटो पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। सीतापुर के लहरपुर थाने का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग का अनुमान 29 जनवरी तक हो सकती है तापमान में गिरावट। कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट जारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भारत की तारीफ की। कहा भारत में महंगाई दर कम। पाकिस्तान में महंगाई दर 35%, हमारी सरकार में 12% थी महंगाई दर। स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ जलाने पर बवाल। पाकिस्तान में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। अंटार्कटिका में टूटा लंदन के आकार का बर्फ का हिस्सा। पिछले 2 साल में यह ऐसी दूसरी घटना है जब बर्फ का हिस्सा टूटा है। ग्रीस में दक्षिण हिस्सों में भारी बारिश। रोड्स द्वीप पर हालात खराब। कई पेड़ उखड़े। बिजली सप्लाई बंद। न्यूजीलैंड में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। बारिश के पानी में वही गाड़ी बड़ी इमारतें। जगह जगह पेड़ उखड़े। पहले G20 में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया। T20 सीरीज 1-0 से आगे हुई कीवी टीम। भारत और इंग्लैंड में होगा आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल। सेमीफाइनल में 3 रन से हारा ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।